أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله एक मुसलमान पर तीन बातों का जानना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर एक, अल्लाह की मारिफत। अल्लाह की मारिफत के हवाले से साबिका दुरूस में बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी हैं। अल्लाह की मारिफत में अल्लाह के वजूद की मारिफत, रुबूबियत की मारिफत, उलूहियत की मारिफत और अस्मा और सिफात की मारिफत। दूसरी चीज़, दूसरी बात जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है वो है दीन की मारिफत। दीन इसके तीन मरातिब हैं। नंबर एक इस्लाम, नंबर दो ईमान, नंबर तीन एहसान। दीन के इन तीनों मरातिब से मुतालिक गुफ्तगू हो चुकी है। इस्लाम के अरकान भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ईमान के अरकान तो इंतहाई तफसील के साथ आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अरकान ईमान में से हर रुकन से मुतालिक चार चार बातें आपको पढ़ाई गई थी। अल्लाह पर ईमान लाने में चार बातें, मलाइका पर ईमान लाने में चार बातें, किताबों पर ईमान लाने में चार बातें, रसूलों पर ईमान लाने में चार बातें, आखिरत पर ईमान लाने में कई बातें, नौ बातें या दस बातों के करीब हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन खुलासा चार बातें ही हैं। उसमें भी तकदीर पर ईमान लाने में चार बातें, एहसान से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगु हो चुकी है। एहसान का ताल्लुक खालिक से भी है और मखलूक से भी है। तीसरी चीज़ जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। साबिक़ा दुरूस में इस मौजू के हवाले से कुछ बुनियादी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, सीरत की तारीफ, साथ ही सीरत को पढ़ने के फ़ायदे, सीरत को पढ़ने के फ़ायदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब दुरुस्त लगभग आपको यूट्यूब में मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट दर्स में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक की तारीख, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया इस दुनिया में मबूस किए गए उनका तारीख़ी तसलसल क्या है, ज़मानी तरतीब क्या है, उससे मुतालिक गुफ्तगु हो चुकी है। आज के दरस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से मुतालिक कुछ बातें आपकी खिदमत में बयान की जाएंगी। मुअर्रिखीन ने नसली एतबार से अरब अक्वाम की तीन किस्में बयान की हैं। अरब की सरज़मीन में जो कौमें आबाद हैं, नसली एतबार से मुअर्रिखीन ने उनकी तीन किस्में ज़िक्र की हैं। नंबर एक अरब बाइदा, क्या है अरब बाइदा, वो कदीम अरब और कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, इनके मुतालिक ज़रूरी मालूमात भी दस्तियाब नहीं हैं। कदीम अरबी कबाइल, अरब की कदीम
قومیں، ان میں جو ہیں عاد، ثمود، عمالقہ، یہ ساری قومیں ان کا تعلق بائدہ سے ہے. نسلی اعتبار سے عرب کے جو اقوام ہیں ان کی ایک دوسری قسم ہے عرب عاربہ، ایک ہے بائدہ اور نمبر دو عاربہ. وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشحب بن قحطان کی نسل سے ہیں، ان کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. یعرب بن یشحب بن قحطان کی نسل سے ہیں، ان کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جانتے ہیں نا، سنا ہے نا نام. اوس اور خزرج جو ہے یہ قحطانی قبائل ہے. اسی طرح سے بنو جرہم کا ذکر آج کے درس میں آئے گا، بنو خزاعہ کا ذکر آئے گا آج کے درس میں. بنو جرہم، بنو خزاعہ، اوس، خزرج، یہ سب قحطانی قبائل ہیں. یہ جو قحطانی قبائل ہیں ان کا تعلق اصل میں یمن سے ہے، یہ یمنی ہیں، بعد میں آ کر کے یہ لوگ عرب میں آباد ہو گئے. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب عاربہ. ایک ہے بائدہ، یہ قدیم قومیں ہیں، یہ دوسرا ہے عرب عاربہ جو یعرب بن یشحب بن قحطان کی اولاد ہے، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے. ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے. نسلی اعتبار سے عرب کے جو اقوام ہیں ان کی ایک تیسری قسم ہے عرب مستعربہ. کیا ہے؟ یہ وہ عرب قبائل ہیں جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، ان کو ادنانی عرب بھی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادنانی عرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ثابت شدہ جو سلسلہ نسب ہے وہ ادنان تک آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. پھر ادنان سے اوپر اسماعیل، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. اس بارے میں مورخین کے مابین اختلاف ہے، آگے میں بتاؤں گا. پھر بعد میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن جو محفوظ سلسلہ نسب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک ہی ذکر کیا ہے. یہ عدنانی عرب ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ، عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کسی کو یاد ہے کیا؟ اہل علم نے نبی کا جو سلسلہ نسب ہے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں. پہلا سلسلہ نسب وہ عدنان تک آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ محفوظ ثابت شدہ سلسلہ نسب ہے. دوسرا سلسلہ نسب، اس میں اختلاف ہے، وہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. تیسرا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. چلیں، جو محفوظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک ہے کسی کو یاد ہے؟ کوئی سنا سکتے ہیں؟ تو عرب قبائل کی جو تیسری قسم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عرب مستعربہ. یہ جو عرب مستعربہ ہیں ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں عراق کے ایک شہر اور کے باشندے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عراق کے ایک شہر اور، جس کو کہا جاتا ہے یا اور کہا جاتا ہے، وہاں کے باشندے ہیں. عراق کے ایک شہر اور میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، نبی بنائے گئے. آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا،
गांव वालों को तौहीद समझाया, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। बादशाह वक्त के सामने तौहीद की दावत पेश की तो उन्हें आग में फेंका गया। बिलाखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके हर्रान तशरीफ ले गए, फिर हर्रान से फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन हिजरत की, फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन को अपनी पैगंबराना, अपनी दावत और तबलीग की सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। अब फ़लस्तीन ही में रहे, वहाँ के बाशिंदों को आपने तौहीद की दावत दी, तौहीद का दर्ज दिया, दावती सरगर्मियों का मरकज़ आपने फ़लस्तीन ही की सरज़मीन को बनाया। लेकिन आप दावत और तबलीग के गर्ज से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क के असफ़ार किया करते थे, दौरे किया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मशहूर मारूफ वाक़िया आप जानते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शहर इराक़ उर से निकले थे तो उस मौके से आपके साथ आपकी बीवी कौन थी? सारा अलैहिस्सलाम थी, ये भी मोमिना लेडी थी। इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर और आपकी दावत पर ईमान लाया था। एक दफ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र गए, वहाँ के लोगों को तौहीद समझाने के लिए। मिस्र का बादशाह फिरौन, जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल की कैफियत सुनी, बदनीयत हो गया वो। चुनांचे उसने सारा अलैहिस्सलाम को बुरे इरादे से दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ताला ने सारा अलैहिस्सलाम के की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी पकड़ की कि वो पाँव मारने लगा। बाद में वो हादसे की नौइयत समझ गया फिरौन, उसे मालूम हो गया कि सारा जो है ये अल्लाह की कोई मुकर्रब और नेक बंदी है। वो इस वाक़े से मुतासिर हो करके उसने हाजिरा को अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। बाद में सारा ने हाजिरा अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। तो हाजिरा ये असल में फिरौन के बादशाह की बेटी थी, फिरौन के बादशाह की बेटी थी। फिरौन का बादशाह सारा अलैहिस्सलाम के ईमान, उनकी परहेजगारी, इससे मुतासिर होकर के उसने अपनी बेटी को दे दिया सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिरा और सारा दोनों को अपने साथ लिया, फिर वापस फ़लस्तीन चले गए। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारा हाजिरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक बेटा अता किया। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी सारा से पहले हुई थी, हाजिरा से बाद में, लेकिन अल्लाह ने पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिरा के बतन से बेटा अता किया, नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब सारा अलैहिस्सलाम गैरत में आ गई। बिलआख़िर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजिर और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ले जाकर के मक्की के बे आबो गियाह वादी में बसा दिया। ये उस दौर की बात है
जब मक्का जो है ना एक वादी का नाम था, दूर दूर तक इंसानों का कोई नाम और निशान नहीं है, इंसान तो इंसान, दूर दूर तक जानवरों का भी कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसी बेअबोगिया वादी में काबतुल्लाह के पास, अभी काबा तैयार नहीं हुआ था, मस्जिद हराम तैयार नहीं हुई थी, एक दरख्त के नीचे अल्लाह के हुक्म से अपने दूध पीते बेटे इस्माइल और हाजिर अलैहिस्सलाम को छोड़ा और वापस जाने लगे। हाजिर अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पीछा किया, पुकार करके कहा, ए मेरे सरताज, आप इस बेअबोगिया वादी में, इस चट्टियल मैदान में हमें छोड़े कहाँ जा रहे हैं? यहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, जिंदगी के कोई आसार नहीं है, आप इस बेअबोगिया वादी में हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इतने में तीन दफ़ा पुकारा, तवज्जो नहीं दी, तो हाजिर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे सरताज, क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म पर यहाँ छोड़े जा रहे हैं? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उस वक्त उस ईमानी लेडी हाजिर अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, क्या कहा? इज़ल ला युज़ैउना, अगर अल्लाह के हुक्म पर तुम हमें यहाँ छोड़े जा रहे हो तो अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, ये अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल है। अल्लाह ने फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है यकीन अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। चंद दिनों के बाद पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, लेकिन जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है कि नहीं होता है? पानी ख़त्म हो गया, हाजिर अलैहिस्सलाम सख्त मशक्क़त में पड़ गई, इंतहाई सख्त मुश्किल पेश आ गई। इस मौके से अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर या येड़ी मारी तो पानी का चश्मा, जिसे हम लोग जमजम कहते हैं, वो चश्मा फूट पड़ा। जैसे ही हाजिर अलैहिस्सलाम ने पानी को देखा तो वो क्या करने लगी, हौज सा बनाने लगी ताकि पानी महफूज हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाएं, अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं, लो लम तगरिब मिन जमजम, अगर वो जमजम के पानी को बहने देती, हौज सा ना बनाती, लकानत जमजमुल यौम आइनन मुईना या मईना, तो आज जमजम एक जारी चश्मा होता। अगर हाजिर अलैहिस्सलाम उम्मे इस्माइल अगर बाढ़ सा ना बनाती, हौस सा ना बनाती, तो फिर एक जमजम एक जारी चश्मा होता। अल्लाह ने पानी का बंदोबस्त कर दिया, पानी होंगे तो चिड़ियाँ आएंगी, खाने का बंदोबस्त खुद ब खुद हो जाएगा, परिंदे आएंगे। अब तक उम्मे इस्माइल हाजिर अलैहिस्सलाम इस वादी में अपने बेटे के साथ अकेली थी। कुछ अरसे के बाद यमन से एक कबीला आया जिसे बनु जुरहम कहा जाता है या बनु जुरहम थानी कहा जाता है। अब उन्होंने पानी देखा, पानी देख करके उन्होंने हाजिर अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि हमें यहाँ रुकने की इजाज़त दे दी जाए। चुनांचे बनु जुरहम के लोगों को हाजिर अलैहिस्सलाम ने रुकने की इजाज़त दे दी, ताहम ये शर्त रखी कि इन पर, इनका पानी पर कोई हक नहीं होगा,
पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुआं इनका है, पानी पर इनका कोई हक नहीं होगा। चुनांचे बनु जुहम का जो कबीला है वो हाजिर अलैहिस्सलाम के साथ मक्के के सरजमीन में रहने लगा। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहम के दरमियान पहले बड़े परवान चढ़े। बनु जुरहम से ही से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान भी सीखी। बड़े हुए तो बनु जुरहम की एक खातून ही से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निकाह भी किया। तो अल्लाह ने बनु जुरहम कबीले को ला करके मक्के को आबाद कर दिया। मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, पानी का बंदोबस्त भी हो गया और अजनबियत भी दूर हो गई। बनु जुरहम रहने लगे हाजिर और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हाजिर और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के बेआबोगी वादी में छोड़ करके रुखसत हो गए, वक्तन फ़ौक्तन निगरानी के लिए आया जाया करते थे। तारीख में इनका 4 दफ़ा मक्का आना महफूज है, और भी कई बार आए होंगे, यकीनन आए होंगे, लेकिन तारीख में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 4 दफ़ा मक्का आना महफूज है। पहली दफ़ा उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जब छोड़ करके चले गए वक्तन फ़ौक्तन उनकी निगरानी निगहदाश्त के लिए आया करते थे, लेकिन तारीख में 4 दफ़ा इनका मक्का आना महफूज है। पहली दफ़ा बेटे को ज़बह करने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अम्बिया इकराम का ख्वाब सच्चा होता है, और बिला पढ़ के बाएं जानिब थूका भी नहीं जा सकता। अगर हम इस तरह का ख्वाब देखें तो औज़ बिल्ला पढ़ के लेफ्ट थूक सकते हैं, लेकिन नबी का ख्वाब है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस हुक्म की तामील में मक्का पहुंच गए। बेटे को ख्वाब से बाखबर किया, नेक बाप का नेक बेटा, कहा या अबतिफ़अल मैं तो उमर, ऐ अबू जान जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। खैर, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करने के इरादे से निकले तो अल्लाह ताला ने आसमान से दुम्बे का इंतज़ाम कर दिया। बिलआख़िर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे की क़ुरबानी दे दी। अल्लाह ने फरमाया क़द सद्दक़्त अर्रुया, ऐ इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। गरचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्लाह क्या फरमाता है, क्या फरमाता है, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। गरचे बेटे को तो ज़बह नहीं किया, लेकिन बाप के दिल में बेटे की जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत पर तो छुरी चल चुकी थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित किया अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़, महबूब से महबूब तरीन चीज़ तक भी कुर्बान की जा सकती है। तो एक दफ़ा बेटे को दुआ करने के लिए आए थे, दूसरी दफ़ा ये लास्ट दफ़ा है, चौथी दफ़ा, दरमियान में और 2 दफ़ा आए थे। दूसरी दफ़ा आए थे हाजिर अलैहिस्सलाम वफात पा गई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम की एक खातून से निकाह कर लिया था, मक्का आए, बेटे से मुलाकात ना हो सकी। दूसरी दफ़ा आप शिकार को कहीं गए हुए थे, बेटे के घर पहुंचे, बहू से मुलाकात हुई, पूछा गुज़र बसर कैसे है, ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने तंग दस्ती की शिकायत कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहू से कहा जब आपके शोहर आए मेरा सलाम सुनाना, और साथ ही साथ कहना घर की चौखट तब्दील कर ले, घर की चौखट तब्दील कर ले।
चुनांचे जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से लौटे, बीवी ने बताया कि एक बुज़ुर्ग आए हुए थे, उन्होंने सलाम सुनाया है, साथ ही उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि आप घर की चौखट तब्दील कर लें। इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाले उनके वालिद ही थे, और उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं उस लेडी को अपनी जोजियत से विदा कर दूँ, चुनाचे तलाक दे दी। इसके बाद जो है बनू जुरहम का सरदार मुजाज बिन आम्र, कौन? मुजाज बिन आम्र, उनकी बेटी से आपने निकाह कर लिया। कुछ अरसे के बाद तीसरी दफ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तीसरी दफ़ा भी बेटे से मुलाकात ना हो सकी। बहू के घर पहुंचे, पूछा जिंदगी कैसे गुजर रही है, उसने अल्लाह की तारीफ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शोहर आए तो सलाम कहना, और साथ ही उन्हें बता देना कि घर की जो चौखट है उसको बरकरार रखें, घर की चौखट इसको बरकरार रखें। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाले मेरे वालिद ही थे, उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं इसको अपनी जोजियत में बरकरार रखूँ। तो ये तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा एक बार आए थे, वो कब? काबतुल्लाह की तामीर के लिए, काबतुल्लाह की तामीर के लिए अरसे के बाद। बाप और बेटे दोनों ने मिलकर के खाने काबा को तामीर किया। इस मौके से इन दोनों की ज़बान से बहुत सारी दुआएं जारी थी, उनमें से एक दुआ तामीर काबा के मौके से उनकी ज़बान से जारी थी, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से जारी थी। वो क्या था, वो कौन सी दुआ थी? रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह औलाद इस्माईल में एक रसूल भेज। वबअथ फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिक, जो उन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल्हिकमत वयुज़क्कीहिम, जो उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया करे। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के तीन मकासद बयान किए गए हैं। कौन कौन से मकासद? नंबर एक, जो उन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। तिलावत तालीम तज़किया, तिलावत तालीम तज़किया। तिलावत इसका ताल्लुक़ अल्फाज से है, तालीम इसका ताल्लुक़ मानी से है। तिलावत इसका ताल्लुक़ अल्फाज से है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब कौम में मबूस किए गए थे, अगर आप उनके सामने कुरान की तिलावत भी कर देते उनके लिए काफ़ी था क्या? नहीं था। कुरान का माना समझने वाले थे ना, उनके लिए तालीम की ज़रूरत थी, तिलावत काफ़ी थी कि नहीं थी? लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने तिलावत के अलावा तालीम को और एक मकसद के तौर पर ज़िक्र किया है, तो इससे बात वाज़ेह हो गई, सिर्फ अरबी ज़बान में महारत हासिल कर लेना क़ुरान फहमी के लिए काफ़ी नहीं है। अरबी ज़बान में महारत हासिल कर लेना क़ुरान फहमी के लिए काफ़ी नहीं है। सहाबा इकराम अरबी ज़बान में माहिर होने के बावजूद क़ुरान की बहुत सारी आयतों का समझने में इन्हें दुश्वारी पेश आई। तो क़ुरान को उसी वक्त समझा जा सकता है जब हम मुअल्लिम क़ुरान या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना मुअल्लिम और टीचर बना लें। देखिए किसी भी फ़न पर लिखी हुई किताबें पढ़ लेने से कोई भी आदमी माहिर फ़न नहीं बन जाता है। इल्म तिब पर मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, कोई इल्म तिब पर लिखी गई किताबें सेल्फ स्टडी कर लें, फिर मेडिकल खोल के बैठ जाएं, अस्पताल खोल के बैठ जाएं, तो क्या ख्याल है आपका?
गवर्नमेंट इजाजत देगी। कोई आदमी सेल्फ स्टडी करके मुफ्ती बन जाए, आलिम बन जाए, कुरान की मनमानी तफसीर बयान करने लगे तो नहीं। खैर चले, हम लोग मौजू से भटक रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह औलादे औलादे इस्माइल में एक रसूल भेज। चुनांचे अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। कैसे? खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअतत के ज़रिए से। आपने फरमाया कि मैं इब्राहिम की दुआ हूँ अलैहिस्सलाम, ईसा की खुशखबरी हूँ मैं, इब्राहिम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुजाज बिन अम्र की बेटी से 12 बेटे अता किए। कितने? 12 बेटे अता किए। इनसे 12 कबीले वजूद में आए। सब मक्के के अतराफ और अकनाफ में ही रहा करते थे। 12 बेटों में से 2 बेटे मशहूर हुए। एक है नाबित और कैदार। नाबित और कैदार, ये 2 बेटे मशहूर हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक के बाद दीगरे नाबित और कैदार ये मक्के के सरदार रहे, बैतुल्लाह के मुतवल्ली और निगरान रहे। मक्के की सरदारी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटों में मुंतकिल हो गई, नाबित और कैदार। जब नाबित और कैदार वफात पा गए तो फिर मक्के की जो सरदारी थी या काबतुल्लाह की जो निगरानी या उसकी जो सरपरस्ती थी, ये मुजाज बिन अम्र के हाथों चली गई। कौन थे ये मुजाज बिन अम्र? इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुरे थे। तो अब इनके हाथों से मक्के की सरदारी निकल गई, बनु जुरहम में मुंतकिल हो गई। एक अरसे तक तकरीबन 1500 साल तक मक्के की सरदारी बनु जुरहम के हाथ में ही थी। यही काबतुल्लाह के निगरान थे, जो असल बानी थे उनको साइड कर दिया गया था। लोग एहतराम करते थे औलाद इस्माइल का, लेकिन मक्के की जो सरदारी थी नाबित और कैदार के बाद, ये बनु जुरहम की तरफ मुंतकिल हो गए। जैसे मैंने कहा, तकरीबन कितने साल तक ये लोग? 1500 साल तक यही लोग सरदार रहे। मक्के की सरदारी उन्हीं के हाथ में थी, मस्जिद हराम के निगरान भी यही लोग थे, सरपरस्त भी यही थे, मुतवल्ली भी यही थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बनु जुरहम, इनमें अखलाकी बिगाड़ शुरू हो गया। इनमें बहुत सारी अखलाकी खराबियां पैदा हो गई। इन्होंने लोगों को सताना, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। कहा जाता है इन्हीं के दौर में जो है ना, जमजम का कुआं खुश्क हो गया था। बनु जुरहम के दौर में ही एक दफ़ा इन्होंने हाजियों पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी। लोग काबतुल्लाह के लिए जो नजराने भेजते थे ना, वो तक खा जाते थे लोग, बनु जुरहम के लोग। तो अखलाकी बिगाड़ पैदा हो गया। जो अदनानी लोग थे ये भी बेजार आ गए थे कबीले बनु जुरहम से। इसके बाद क्या हुआ, यमन में एक बाढ़ आई। उस बाढ़ के बाद जो है ना, यमन का एक कबीला, इसका गुज़र जो है ना मक्के पर से हुआ। मक्के में सरदारी किन की थी? बनु जुरहम की थी। बनु खुज़ाअ के लोगों ने इजाज़त चाही कि हमें भी यहाँ रहने की इजाज़त दे दी जाए।
लेकिन बनू जुरहम के लोगों ने इजाज़त नहीं दी, कहा कि नहीं हमें तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं देंगे। बिल आखिर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई छिड़ गई, दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इस जंग में, इस लड़ाई में बनू जुरहम शिकस्त खा गए। बनू जुरहम के बाद फिर किनकी हुकूमत कायम हो गई वापस, तकरीबन बनू जुरहम 1,500 बल्कि 2,000 साल तक इनकी सरदारी कायम थी। अब बनू खुज़ाआ ने किसको शिकस्त दे दी, बनू जुरहम को। फिर वापस मक्के की सरदारी बनू जुरहम से बनू खुज़ाआ मुंतकिल हो गई। अब ये भी लगभग 5 साल, 500 साल, लगभग जो है 500 साल, कितने साल, 500 साल तक मक्के की सरदारी इनके हाथ में थी, बनू खुज़ाआ के हाथ में। ये जो बनू खुज़ाआ है ना, ये मक्के की सरजमीन के लिए बड़े मनहूस साबित हुए। वो कैसे, बनू खुज़ाआ का एक सरदार जिसका नाम अम्र बिन लुहई था, इसी ने मक्के की सरजमीन में बुत परस्ती का आगाज़ किया था। इसी बिना पर एक हदीस में, गालिबन ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रअईतु अम्र बिन आमिर अल खुज़ाई, मैंने अम्र बिन आमिर खुज़ाई को देखा, यजुर्रु खुसबहु फिन्नार, वो जहन्नम की आग में अपने आंतें घसीट रहा था। यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले बुतों के नाम जानवर छोड़े थे। हालांकि मक्के की सरजमीन में बुत परस्ती नहीं थी, लोग एक हद तक तौहीद पर कायम थे, गरचे कमज़ोरी ज़रूर आ गई थी, तौहीद का दर्स लगभग लोग भूलते आ गए थे, लेकिन बुत परस्ती भी नहीं थी। बनू खुज़ा के एक सरदार जिसका नाम क्या था, अम्र बिन आमिर अल-खुज़ाई, इसी ने सबसे पहले अरब की सरजमीन में बुत परस्ती का आगाज़ किया। इसी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन को बदल दिया, बुत नसब किए, बुतों के नाम पर जानवरों के कान इसी ने काटे, बुतों के नाम पर जानवरों को सबसे पहले इसी ने आज़ाद किया। तो ये लोग कितने साल, लगभग 500 साल तक जो है ना मक्के की सरदारी इनके हाथ में रही, यहाँ तक कि खुसई का ज़माना आ गया। किन का ज़माना, खुसई नबी अकरम के सिलसिले नसब में कितने नंबर पर हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन खुसई। देखिए पूरा सिलसिला नसब तकरीबन अदनान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दरमियान जो सिलसिला नसब है, मुअर्रिखीन ने ज़िक्र किया है कि अदनान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान लगभग 40 पुश्तें थी। कितनी, 40 पुश्तें थी। अब पहले तो तकरीबन 2000 साल, 1,500-2,000 साल बनू जुरहम सरदार रहे, फिर उसके बाद बनू खुज़ाआ 500 साल, खैदार के बाद या नाबित और खैदार के बाद जो सरदारी हाथों से निकली लगभग 250 साल या 2,000 साल या 2,500 साल तक क़ियादत इनके हाथ में नहीं रही। तो खुसई का ज़माना आ गया। खुसई का मामला क्या है, खुसई के मुतालिक बताया जाता है कि वो अभी गोद में था, वालिद वफात पा गए। इनकी वालिदा ने बनू अजरा के एक शख्स रबिया बिन हराम से शादी कर ली। ये कबीला मुल्क शाम में रहता था, चुनांचे खुसई भी गए, जा करके कहाँ आबाद हो गए, शाम और सीरिया में आबाद हो गए। जब जवान हुए तो मक्का आए। इनकी हुकूमत थी, बनू खुज़ाआ की हुकूमत थी। उस वक्त मक्के का जो वाली था या गवर्नर था वो था हुलैल बिन हबशी या खुज़ाई।
हुलेल बिन हबशिया खुजाई था। मक्का आए, हुसैन ने हुलेल बिन हबशिया खुजाई की बेटी से निकाह के इरादे से पैगाम निकाह भेजा, कबूल कर लिया गया। तो हुसैन ने हुलेल बिन हबशिया की बेटी से निकाह कर ली। हुलेल बिन हबशिया का इंतकाल हो गया तो फिर झगड़ा शुरू हुआ मक्के की सरदारी के लिए, कौन मक्के का सरदार बनेगा। जंग हुई, बिलआखिर मक्के की सरदारी एक अरसे के बाद फिर वापस अदनानी जो कबीला था उनमें मुंतकिल हो गई। एक अरसे के बाद, कितने अरसा हो गया था, एक अरसे के बाद जो है ना, कुसई का बहुत एहतराम करते हैं लोग कुरैश में, कुसई को ये ख़ास मुकाम हासिल है। कुसई वापस कुसई के दौर में सरदारी ख़ानदान कुरैश में मुंतकिल हो गई। कुसई के बहुत सारे कारनामे हैं, ये जो दारुन नदवा हम सुनते हैं ना, कुरैश का पार्लियामेंट, यहीं बैठ करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए गए थे। ये जो दारुन नदवा है उसी ने बनाया था, उसी ने उसकी बुनियाद रखी थी, हुसैन ने। और जितने भी मनासिब थे वो सारे मनासिब हुसैन के हाथ में थे। मिसाल के तौर पर जंग में परचम हुसैन के हाथ में था, खाने काबा की पासबानी, दरवाज़ा खोलना हुसैन के हाथ में था, हाजियों को पिलाना सिकाया उन्हीं के हाथ में, रिफादा सब हुसैन के हाथ में। हुसैन के दो लड़के थे, एक अब्दुद्दार और एक अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ जानते हैं ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ, हाशिम बिन अब्दे मनाफ। अब ये जितने भी मनासिब थे ना, चाहे वो लवा हो, जंग में झंडे का मामला हो, हिजाबा हो, सिकाया हो, रिफादा हो, ये सारे मनासिब इसने वफात से कबल अब्दुद्दार के हवाले कर दिए। अब्द मनाफ को कुछ नहीं मिला। कुसई का लोग एहतराम करते थे, उसके फैसले को कोई टाल भी नहीं सकते थे। तो हुसैन के वफात के बाद जितने भी अहम अहम मनासिब जो पोस्ट थे वो सारे पोस्ट किन को मिल गए, अब्दुद्दार को मिल गए, अब्द मनाफ को कुछ नहीं। अब्दुद्दार का इंतकाल हो गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई, फिर झगड़ा शुरू हुआ इन मनासिब को लेकर के। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो मनासिब थे इनमें से कुछ मनासिब किनको दे दिए गए, अब्दे मनाफ को दिए गए, खसूसियत के साथ दो मनासिब, एक है सिकाया पानी पिलाना, रिफादा मेज़बानी हाजियों की मेज़बानी करना। तो ये दो जिम्मेदारियां किनको मिल गई, अब्दे मनाफ को मिल गई। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कितने बुज़ुर्ग बाकी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ के बारे में हमने जान लिया। अब ये जो हाशिम हैं, फिर उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल्ला हैं, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ये जो आखिरी बुज़ुर्ग हैं, उनसे मुतल्लिक कुछ मालूमात, ज़रूरी बातें, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयासत से कबल के चंद अहम वाक़ियात हैं जो इनके दौर में पेश आए थे, हाशिम और अब्दुल मुतल्लिब के दौर में कुछ अहम वाक़ियात हैं जो पेश आए थे। इंशाअल्लाह अब्दुल मुतल्लिब के दौर के कुछ अहम वाक़ियात कल के दर्स में, अगले संडे के दर्स में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, ठीक है। आप सुन की बेअसर से कबल के कुछ अहम तरीन वाक़ियात,
तो फिरौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कहाँ से आ गया? फिरौन क्या है? ये असल में लकब है, नाम नहीं है। मिस्र का जो बादशाह है ना, मिस्र का जो बादशाह, उसका लकब फिरौन है। नाम अलग अलग हो सकते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था उसका अलग नाम था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था उसका नाम डिफरेंट था। फिरौन मिस्र के बादशाह का लकब, ठीक है। इसी तरह रोम के जो बादशाह है ना, वो हिरक्ल नाम नहीं है, वो एक लखब हो, ठीक है। ये अक्सर नाम नहीं आते हैं, वो अलकाब से लोग पहचाने जाते हैं। ये जो कैसर हैं, किसरा हैं, हिरक्ल नहीं है, कैसर और किसरा, कैसर और ये सब अलकाब हैं जिनसे पहचाने जाते हैं। कोई फिकही दर्स तो नहीं है, मसले मसाइल तो नहीं है, तारीखी बातें हैं, ठीक है। सवालत करके मुझे परेशान मत करो। आखिर इससे पहले अकीदे से मुतालिक दुरुस्त होते थे, ठीक है। सवालत बजा थे आपके, फिक की क्लासेस को तो सवालत बजा है। अभी सीरत में क्या सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा आपको? हाँ, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लें। क्या बोले? हज को जाने वाले दावत दे रहे हैं, बेहतर है नक्को जाओ, नसीहत करो भी। ये सब रियाकारी के असबाब हैं, हज ज़ाय हो सकता है तुम्हारा, कई को ये सब चीज़ें कर ली। ये पैसे तुम्हें मस्जिद को दियो, मदरसों को दियो, कुछ अच्छे काम में लगाओ जिससे तुम्हारी आखिरत बन जाए। अब नमाज की दावत, फिर रमज़ान के रोज़ों की दावत सब शुरू कर डाले तो मुश्किल है ना। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ने के लिए दावत देना है क्या? एक फ़र्ज़ है, अगर आप साहिब इस्तेआत हैं तो फ़र्ज़ है, उसके लिए क्या दावत है? दुआ देखो, भेजो, अस्तौदिउल्लाह दीनतक व अमानतक व ख़वातीमा अमालिका। कोई भी सफ़र पर निकलता है तो हम मुसाफिर को दुआ देना है, मुसाफिर को दुआ देना है कि अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे, मैं तुम्हें अल्लाह की अमानत में देता हूँ, आपके दीन को, सब चीज़ों को अल्लाह की अमानत में देता हूँ, अल्लाह आपका मुहाफिज बन जाए।